दोस्तों, अगर आप भी अच्छी जगह से स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, अगर आप मंदसौर से बिलोंग करते हैं, दया मंडी टॉकीज के पास प्रदीप मोबाइल्स, यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन सभी कंपनी के फोन अवेलेबल है सस्ते दाम में, तो यहाँ पर जरूर कीजिए विजिट नाउ ऑन प्रदीप मोबाइल्स ओनली ऑन। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए बेहतरीन तीन स्मार्टफोन। दोस्तों, तीनों ही स्मार्टफोन ज़्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन है। एक तो वीवो की तरफ से वीवो 15 प्रो, रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 7 प्रो और रियलमी की तरफ से रियलमी 3 प्रो। तीनों स्मार्टफोन बहुत बेहतरीन है डिज़ाइन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और ज़्यादा चल रहे हैं, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तीनों स्मार्टफोन को। अगर जो वीवो फैंस है या रियलमी फैंस है या फिर रेडमी जो फैंस है शाओमी की तरफ से, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि तीनों जो फ़ोन है आज करने वाला हूँ कंपेरिजन। यूट्यूब पर किसी ने नहीं दिखा होगा ऐसा कंपैरिजन, मैं आपको बताने वाला हूं तीनों फोन का, और कौन सा स्मार्टफोन बेहतर निकलेगा मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे कैमरा हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे डिजाइन के मामले में हो, कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेहतर होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, और दोस्तों बता दूं आपको, एक इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है। प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिए लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास है यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन के बॉक्स। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, पहले Redmi Note 7 Pro है, उसके बाद हमारे पास Vivo 15 Pro, उसके बाद दोस्तों Realme 3 Pro। तो फटाफट से दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं Vivo 15 Pro की। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो पैकिंग है काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है 15 Pro की। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ आपको 6GB का रैम 128GB का वेरिएंट देखने को मिलता है। यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं इसका अनबॉक्स। तो यहाँ पर फटाफट से हमने अनबॉक्स कर लिया है, और काफ़ी हार्ड कवर है जो इस फोन को प्रोटेक्शन करने के लिए काफ़ी अच्छा दिया गया है। और दोस्तों बात करते हैं हमारा जो फ़ोन है, दोस्तों डिज़ाइन वाइज फोन जो है हैंड वाइज काफ़ी अच्छा लगता है हमारा फोन Vivo 15 Pro। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि आपको फ्रंट में आपको कोई कैमरा नहीं दिया गया है, तो यहाँ आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है, 32MP का सेल्फी स्पेशल फोन है Vivo 15 Pro। अब बैक साइड में देखते हैं दोस्तों, आपको जो ट्रिपल कैमरा दिया गया है 48 प्लस 8 प्लस 5MP का ट्रिपल कैमरा दिया गया, LED फ्लैश साथ में है, और दोस्तों इतना कुछ देखने को मिलता है। और दोस्तों नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको सिम इंजेक्टर मिलता है, जहाँ पे आप सिम इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद मिलता है USB पोर्ट, उसके बाद स्पीकर, और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है पावर बटन, उसके बाद वॉल्यूम बटन, और यहाँ पर ऊपर मिलता है 3.5 ऑडियो जैक, और यहाँ आपको मिलता है माइक। तो इतना कुछ देखने को मिलता है इस फोन में। आप दोस्तों यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है, दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है एक एयरफोन जो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एयरफोन मिल रहा है, बाकी स्मार्टफोन जैसे Redmi Note 7 Pro हो गया, Realme 3 Pro हो गया, इनमें आपको एयरफोन देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको टाइप सी केबल दे रखी है, टाइप सी केबल आपको मिल रही है। फर्स्ट में एक बात यह है कि फास्ट चार्जिंग आपको इस फोन में मिल रहा है, यहाँ पर आपको जो 5.2W का आपको चार्जिंग मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको इतना सब कुछ दे रहा है इतने बढ़िया क्वालिटी में आपको, तो सब दोस्तों देखा जाए तो आपको सामान ज़्यादा अच्छा मिल रहा है Vivo 15 Pro में। क्योंकि आप दोस्तों देखते हैं दूसरे स्मार्टफोन में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो शुरू करते हैं Realme 3 Pro में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं Realme 3 को। तो यहाँ अनबॉक्स करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर आपको मिनी बॉक्स मिलता है। दोस्तों मिनी बॉक्स में आपको हेलो वेलकम टू Realme फैमिली लिखा है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ Realme, और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है एक सिम इंजेक्ट टूल, उसके बाद मैनुअल कार्ड, और यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रांसलेट कवर देखने को मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हमारा फोन। दोस्तों हैंड वाइज जो फोन है वो काफ़ी अच्छा लगता है, ब्लू कलर में दे रखा है, काफ़ी शाइनिंग मारता है, ग्लोसी ब्लू का फोन का। और दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों टाइप सी केबल मिल जाता है। अच्छी बात ये है कि इसकी जो केबल की जो लेंथ है क्वालिटी है काफ़ी अच्छी दे रखी है रियलमी की तरफ से। यहाँ पर आपको चार्जिंग जो है एडाप्टर है वो वूक का मिल जाता है फ्लैश 3.0, तो यहाँ पर फटाफट चार्ज हो जाएगा ये फोन। दोस्तों बाकी की स्पेशल देखते हैं, दोस्तों फोन को देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपको फ्रंट कैमरा दे रखा है 25MP का फ्रंट कैमरा दे रखा है, और बैक में आते तो 16 प्लस 5MP का डुअल कैमरा दे रखा है, और आपको नीचे फ्लैश देखने को मिल जाती है। और दोस्तों उसके बाद आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, और नीचे की तरफ दोस्तों देखते हैं तो आपको यहाँ मिलता है 3.5 ऑडियो जैक, उसके बाद फिर आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पर माइक, और उसके बाद USB पोर्ट जो कि चार्जिंग करने के लिए होता है, और यहाँ पर आपको स्पीकर मिलता है, तो स्पीकर जो साउंड क्वालिटी काफ़ी जोरदार है। और दोस्तों यहाँ आपको मिलता है पावर बटन, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन, उसके बाद यहाँ पर सिम इंजेक्ट करने के लिए मिलता है, और इतना कुछ देखने को मिलता है। और ऊपर कुछ नहीं मिलता देखने को, इतना कुछ मिलता है Realme 3 Pro में। आप देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग Redmi Note 7 Pro की। यहाँ पर फटाफट से बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। दोस्तों बॉक्स अनबॉक्स करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर व्हाइट कलर का मिनी बॉक्स, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है सिमेजिक टूल, उसके बाद मैनुअल कार्ड, और उसके बाद मिल जाता है आपको ट्रांसलेट कवर जो कि व्हाइट है, और उसके बाद मिल जाता है हमको Redmi Note 7 Pro। तो दोस्तों यहाँ Redmi Note 7 Pro जो है नेपच्यून ब्लू में मिल जाता है आपको। यहाँ पर दोस्तों आपको दो कैमरे दिए गए, जिसमें 48 प्लस 5MP कैमरा दिया गया है, उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर है, और LED फ्लैश मिल जाता है, और आपको जो फ्रंट में जो कैमरा मिलता है वो 13 MP का मिलता है सेल्फी के लिए। तो ये फोन जो है बहुत ही अच्छा है कैमरे वाइज
भी और प्रोसेसर वाइज भी, तो फुल डिटेल बताने वाला हूँ सर। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है एक केबल जो कि टाइप सी केबल है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ आपको इसमें चार्जिंग मिलेगा लेकिन नॉर्मल मिलेगा, फास्ट चार्जिंग जो है आपको बाहर से परचेज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ नॉर्मल चार्जिंग मिलेगा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको केबल की लेंथ अच्छी मिल जाती है, टाइप सी केबल है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यह एडाप्टर है 5.2 एम्पायर का एडाप्टर देखने को मिल जाता है, तो इतना कुछ देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये फोन जो है थोड़ा महंगा है, लेकिन इसके बाद अगर इस फोन में अगर एयरफोन होते तो काफी अच्छा होता। तो अब देखते हैं यहाँ पर कंपैरिजन के मामले में कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेहतर रहेगा, व्यू 15 प्रो या रियलमी 3 प्रो या रेडमी नोट 7 प्रो। तो तीनों स्मार्टफोन प्रो है। दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले शुरू करते हैं, 6.3 इंच का आपको डिस्प्ले दिया गया है, तीनों फोन में आपको यही डिस्प्ले मिल रहा है 6.3 इंच का। आपको वीवो V15 में 32 MP का सेल्फी कैमरा दे रखा है जो कि बहुत बेहतरीन है, और वहीं रियलमी 3 प्रो में आपको मिल रहा है सिर्फ 25 MP का कैमरा, और रेडमी नोट 7 में 13 MP का, मतलब इसमें वीवो 15 प्रो आगे है, 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है तो काफ़ी आगे है वीवो 15 प्रो सेल्फी के लिए भी। और ट्रिपल कैमरे की बात करूँ दोस्तों यहाँ पर आपको वीवो 15 प्रो में 48+8+5 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, वहीं आपको रियलमी 3 प्रो में सिर्फ आपको बैक साइड में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एक कैमरा जो कि 16+5 MP का रियल कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसकी कंपैरिजन जो वीवो 15 प्रो है वो आगे निकल चुका है, रेडमी नोट 7 प्रो है 48+5 MP कैमरा मिल रहा है, तो दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। तो इसमें से वीवो 15 प्रो आगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ वो वीवो 15 प्रो से हो रही, तो काफ़ी आप क्वालिटी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आती है इससे वीवो 15 प्रो से। 3700 mAh का बैटरी मिल रहा है, हालांकि वीवो 15 प्रो जो है यहाँ पर कम बैटरी दे रखा है, यहाँ पर रियलमी में 4000 mAh, दोनों में 4000 mAh का बैटरी दिया गया, रेडमी नोट 7 में और रियलमी 3 प्रो में, तो बैटरी के मामले में थोड़ा सा पीछे है वीवो 15 प्रो। यहाँ पर प्रोसेसर में दोस्तों आपको रेडमी नोट 7 प्रो में और यहाँ पर वीवो 15 प्रो में दोनों का प्रोसेसर सेम है, और दोनों का प्रोसेसर बहुत ही हेवी है। अगर आप यहाँ पर बड़े से बड़े गेम, हाई ग्राफिकल गेम यहाँ पर आप चला सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वीवो 15 प्रो ही बढ़िया है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है वीवो 15 प्रो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर दोस्तों 6 GB रैम 128 GB का वेरियंट मिल जाता है, आपको रेडमी नोट 7 में भी यही मिल जाता है और आपको रियलमी 3 में भी यही मिल जाता है 6 GB 128 GB का। तो एंड्रॉयड 9.0 तीनों में मिल जाएंगे, तो मेरे हिसाब से जो रिकमेंडेड करता हूँ वीवो 15 प्रो जो है काफ़ी अमेजिंग फ़ोन है। इसकी जो रेंज है वो 28,000 से 27,000 रुपये का फ़ोन है, और यही रियलमी 3 प्रो वो फ़ोन है 16,000 के करीब आ रहा है, रेडमी नोट 7 प्रो भी 16,000 के करीब आ रहा है, लेकिन वीवो 15 प्रो है काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सी ब्रांड पर आप ट्रस्ट करते हैं, कौन सा स्मार्टफोन आपको पसंद है, आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं इन तीनों में से, और कौन सी वीडियो चाहते हैं हमारी ओर से कंपैरिजन देखना चाहते हैं, ये कंपैरिजन कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही देखने की इंटरेस्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।